आज हम बनाएंगे सूजी का नाश्ता। देखिए फ्रेंड, मेरा मेरा जो सूजी था मोटा था, इसलिए मैंने इसको मिक्सर में डालकर पीस लिया है। मैंने सूजी, कड़ी पत्ता और हरे मिर्चे को पीस कर ग्राइंड कर लिया। देखिए मेरे पास, देखिए मैंने इसको पीस लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक और जीरा। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जीरा डाला है और नमक डाला है। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें मिक्स जीरा और नमक को मिक्स कर दिया है। अब मैं गैस पर तवा रखी हूँ, तवा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें तेल डालूँगी। ये देखिए फिर मेरा तवा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें तेल लगा दिया। अब हम इसमें डालेंगे एक कलछुल से बैटर। ये देखिए फिर मैंने इसको डाला है। अब मैं इसको कलछुल से ही फैला दूँगी। ये देखिए फिर इसको ऐसे ऐसे फैलाना है, ठीक है, ऐसे ऐसा फैला दे। इसको धीमी आँच पकाना है, जब पक जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये सीख चुका है। अब हम इसको पलटेंगे, इसको हल्का। देखिए फ्रेंड, ये अपने आप ही छूट जाएगा। तो आप हाथ से चाहे तो इसको ऐसे पलट दीजिए। अब इसको हम उधर भी पकाएंगे। अब फ्रेंड, हम इसके चारों तरफ हल्का हल्का तेल डालेंगे। तेल डालकर तब हम इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरा है जो सीख चुका है, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ पास से। ये देखिए फ्रेंड, मेरा कितना अच्छा ये नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अभी मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे ऐसे हम लोग कर देंगे इसको, लेकिन धीमी आंच पर। अब फ्रेंड, इसको एक ही साइड की मतलब ऐसे ही घुमाना है, यानी दोनों साइड से नहीं, एक ही तरफ इसको ऐसे घुमाएंगे। अब हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। जब पक जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ पलट कर। ये देखिए फ्रेंड, मेरा सूजी का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसको सॉस, चटनी या किसी के साथ भी खा सकते हैं। मैं तो इसको सॉस खाऊंगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो बच्चों को लंच में दे दीजिए, या बड़ों को लंच में दे दीजिए, या शाम को हल्का सा भूख लगे तो आप इसको बनाकर खा सकते हैं। बिन मसाले का इतना चटपटा और टेस्टी नाश्ता कि आप खाएंगे, आप एक बार खाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।